प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर अलीगढ़, भोपाल और उज्जैन में दुष्कर्म की घटनाओं से गुस्साए नागरिक हाथों में तख्तियां और नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला मुख्यालय पर अलीगढ़ में हुई मासूम की हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग और भोपाल उज्जैन में हुई दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों महिला पुरुष ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सरकारों के जागने के लिए नारे भी लगाए। कई युवा तख्तियां लेकर शामिल हुए और शहीद स्तंभ के पास कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। छात्राओं ने नेताओं को दी नसीहत, घर पर बैठकर ना कहे लड़कियां क्या पहनती है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कर्मचारियों को सजा दिलवा पाए, उन लोगों को फांसी की सजा मिले। हर बार यही होता है, बलात्कार होता है और बलात्कारी छूट जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आज से इतने सारे बलात्कार होते आ रहे। अगर एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा मिल गई तो ये बलात्कार कम हो जाएंगे। इसलिए हम सबकी यही इच्छा है कि बलात्कारियों को सिर्फ फांसी की ही सजा मिले। इसके नेताओं को यही कहना चाहती हूँ कि घर पर बैठकर कुछ ऐसा ना बोले कि लड़कियाँ ये पहनती है वो पहनती है। सबसे मायने ये रखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है। अभी उज्जैन में हुई और स्थानों पर भी हो रही हैं, भोपाल में हुई घटना। इस तरह आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है और शासन का रुख इसके प्रति कोई कठोर नहीं है। जब तक कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे, बलात्कारियों को सजा तत्काल नहीं दी जाएगी, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। और यही हमारी मांग है सरकार से कि कठोर कानून बनाए, बलात्कारियों को तत्काल फांसी की सजा। खरगोन जिला मुख्यालय में